नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज, आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट। दोस्तों आज का यह वीडियो पेटीएम यूजर्स के लिए है, लेकिन ये जो है पेटीएम फॉर बिजनेस जो ऐप यूज़ करते हैं उनके लिए है, मतलब जो मर्चेंट है, दुकानदार हैं, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए। इसमें जो है एक नया जो फीचर जो है रोल आउट कर दिया गया, जो कि काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन फीचर है मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए वो फीचर क्या है, ऑडियो अलर्ट का। जैसे कि आप जानते हैं पेटीएम जो है 2200-2500 में जो है एक बॉक्स देता था, स्पीकर देता था, कोई भी पैसा भेजता था तो वो जो है आपको बोलकर बताता था कि सामने वाले ने इतना पैसा भेजा है, मतलब एक तरह से ऑडियो अलर्ट। तो यह फीचर जो है पेटीएम फॉर बिजनेस के ऐप में जो है रोल आउट कर दिया गया है। आपको उस बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके फ़ोन का डेटा जो है ऑन होना चाहिए, और आपका फ़ोन अगर जो है स्क्रीन लॉक भी रहेगा तो भी जो है आपका फ़ोन बोलकर बताएगा कि सामने वाले ने इतना पैसा भेजा है। ठीक है, तो इस फीचर को किस तरह से जो है इनेबल किया जाता है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप को जो है इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ऑफिशियली आपके पास पहले से होगा, अगर आप जो है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप का उपयोग करते हैं, एक मर्चेंट है, तो आपके पास यह एप्लीकेशन होगा ही। ठीक है, तो इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, ऊपर में देख सकते हैं आप, यहाँ पर दे दिया है स्पीकर का, यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली इसके ऊपर मैं आपको जो है क्लिक कर लेना, मैं एक और तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड में ऊपर में देखिए एक स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यह जो है आपको देखिए यहाँ पर लेके आ गया नोटिफिकेशन सेटिंग्स में, यहाँ पर जो है अपने आप नोटिफिकेशन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ऑडियो अलर्ट फॉर पेटीएम पेमेंट रिसीव। ठीक है, यहाँ पर दे दिया, जब भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो आपको जो है आपका फ़ोन पे आपका जो पेटीएम है बोलकर बताएगा कि सामने वाले ने इतने रुपए जो है भेजा है ना। यहाँ पर आपको कई सारे लैंग्वेजेस भी मिल जाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है इसको जो है इनेबल कर देना, जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो लैंग्वेज पूछेगा, जो भी अलर्ट आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं। अगर आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी के ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव परफॉर्मेंस के ऊपर में क्लिक कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हो गया आपका इनेबल, देख सकते हैं आप। ये जो है 11 लैंग्वेज है, इसमें आप किसी भी लैंग्वेज में चाहे तो आप पा सकते हैं यह नोटिफिकेशन। दूसरा, आप जैसे ही आपको कोई पैसा भेजेगा तो आपके फ़ोन के फुल स्क्रीन में वन नोटिफिकेशन दिखाएगा, सामने वाले ने पेमेंट भेजा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन आपको जो ऑन रखना है, ऑन रखेंगे तभी आपको पूरे फुल स्क्रीन में दिखाएगा सामने वाले ने इतना पैसा भेजा आपको। ठीक है, तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं SMS अलर्ट दिया है, लेकिन SMS अलर्ट जो है चार्जेबल है, आपको मंथ का जो है 25 रुपये आपको जो है पे करना होगा, तो इसे आप ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल अलर्ट भी है, ईमेल अलर्ट बिल्कुल फ्री दिया जाता है, आप चाहें तो इसे भी इनेबल कर सकते हैं। लेकिन यह जो फीचर है फर्स्ट वाला ऑडियो अलर्ट का, मुझे जो है काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी शानदार लगा। इसमें इसे आप अगर ऑन कर देंगे तो कोई भी आपका जो है बारकोड स्कैन करके आपको पैसा भेजेगा तो तुरंत आपका फ़ोन जो है आपको अलर्ट कर देगा। अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो फिर से आपको क्या करना है, उसी के ऊपर में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप इसे यहां से ऑफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे मैंने कई बार ट्राई किया, बहुत ही बढ़िया लगा। मैं अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अपने दूसरे फ़ोन से जो है पैसा भेजकर। इस वीडियो में सिर्फ यह जो है जानकारी देनी थी। दोस्तों आपको पेटीएम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो ऊपर आइकन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, तो उसे जाकर आप जरूर देखें। साथ ही में यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो सर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।